20 साल के बाद एक बार फिर से संजय लीला भंसाली और सलमान खान की जोड़ी ऑन स्क्रीन नजर आएगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म SLB की ड्रीम प्रोजेक्ट में से है। काफी दिनों से इस फिल्म के टाइटल और लीड पेयर्स को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, पर अब ऑफिशियली इस फिल्म के लीड पेयर्स का नाम अनाउंस कर दिया गया है। इस फिल्म में सलमान खान और आलिया भट्ट अहम किरदार में नजर आएंगे और फिल्म का टाइटल होगा इंशा अल्लाह। आपको बता दें कि ये आलिया भट्ट और सलमान खान की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म में आलिया सलमान की प्रेमिका का किरदार निभाएंगी। हालांकि अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं साझा किया गया है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक लव स्टोरी हो सकती है। फिल्म के लीड स्टार कास्ट ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा मूवी से जुड़ने की खबर दी है। आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए एक्साइटमेंट जताई है। एक्ट्रेस ने लिखा कि उन्होंने कहा था, खुली आंखों से सपने देखो और मैंने वही किया। संजय सर और सलमान खान के साथ काम करना एक मैजिकल फीलिंग है। इंशाअल्लाह से जुड़ना एक खूबसूरत जर्नी से कम नहीं। फिल्म इंशाअल्लाह से जुड़ने का उन्हें बेहद इंतजार था। एक दूसरे ट्वीट में आलिया ने लिखा, मैं 9 साल पहले संजय लीला भंसाली के ऑफिस गई थी। बहुत नर्वस थी और उम्मीद और प्रार्थना कर रही थी कि मुझे उनकी अगली फिल्म में काम मिले। बहुत लंबा इंतजार रहा। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, जानवी कपूर के नाम का भी चर्चा था। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऐश्वर्या राय भी इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। कहा गया है कि जानवी कपूर या उनकी अन्य हीरोइनें सलमान खान से उम्र में कम हैं, इसलिए किसी सीनियर एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। हालांकि अब इस अनाउंसमेंट से साफ हो गया है कि आलिया भट्ट भंसाली के साथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करेंगी। फिलहाल आलिया भट्ट की आगामी फिल्म कलंक जबरदस्त चर्चे में है, जबकि सलमान अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही महत्वाकांक्षी मूवी भारत में व्यस्त हैं। अब देखना यह है कि सलमान खान और उनसे आधी उम्र की आलिया भट्ट की इस जोड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं। बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल स्पेशल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।